हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये देखिए, मैंने एक रेडीमेड ड्रेस ली है जो कुछ डालने के बाद इस प्रकार से दिख रही है। और देखिए, इसके नीचे ट्राउज़र भी है जो इसमें विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा विजिबल चाहिए इसका ट्राउज़र भी। तो आज हम इसकी फिटिंग भी करेंगे और इसकी लेंथ को कम भी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये हमारा ट्राउज़र है प्लेन, और नीचे इसके वर्क हो रखा है। और ये हमारी कुर्ती है। हमारा जो एक कुर्ती का पैटर्न है, ये कलियों में है। ये देखिए, इसमें कलियां हैं। और हमारी जो बॉडी है वो भी थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है, और नीचे ऐसे कट वर्क हो रखा है। तो नीचे से तो कटिंग करना इसका पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हम इसको ऊपर से काट के फिटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए, मैं उल्टा कर लूँगी इसको सबसे पहले। उल्टा करने के बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम जो हमारा बॉडी हमें बॉडी चाहिए जितना रेडी ऊपर का, तो उतना हम मार्क कर लेंगे। हमें 13.5 चाहिए, तो हम 14 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेंगे, फिर 14 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये देखिए, और इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अभी ये हमारा कटिंग हो गया है। अभी नीचे वाला पार्ट अलग हो गया है और ऊपर वाला अलग हो गया है। अभी यहाँ हम 1 इंच की यहाँ पे गुलाई डालेंगे, ताकि हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो जॉइंट करने के बाद ऐसे झोल ना खाए नीचे को। ऐसे गुलाई डालने के बाद बहुत अच्छी शेप आती है हमारी बॉडी वाले पार्ट में। अभी हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और जो भी आप मैंने जो मेरा मेज़रमेंट था उसी हिसाब से फिटिंग का निशान लगा लिया है। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। 9.5 इंच ऊपर और 8.5 इंच नीचे। कमर का निशान मैंने 8.5 पे लगाया है, और छाती का निशान 9.5। तो उसके बाद अभी हम ये घेरे को इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और 3.5-3 इंच इस पर भी मार्क करेंगे हम पूरे में। और इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे 3.5-3 इंच पे मार्क करके। जो हमारा नीचे घेर है कलियों वाला, उसकी भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे घेर की कटिंग हो चुकी है, और ये हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट है। इसको हम इस तरह रखेंगे। तो अभी रखने से ये देखिए, नीचे का भी बराबर है और ऊपर का भी एकदम बराबर है। लेकिन हमें इसकी फिटिंग करने के बाद 1.5 इंच एक साइड मार्क लगाया है, 1.5 इंच पे हम दूसरी साइड लगा के इस तरह से इसकी फिटिंग करेंगे ऊपर वाले की। हम साइड से फिटिंग नहीं करेंगे इसकी, यहाँ साइड से फिटिंग नहीं करेंगे हम। पूरी कलियों के जो जॉइंट हैं वहाँ पर सिलाई लगा के तभी हम फिटिंग करेंगे, तभी हमारी कलियां सभी एक बराबर दिखेंगी। तो इस तरह से हम कलियों में एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग कर लिया है बाजू से। बाजू भी थोड़े लूज थे, तो 1/2 इंच बाजू से भी मैंने उसको फिटिंग कर लिया है। और अभी हम सीधा करके दिखाते हैं आपको इस तरह से। ये देखिए, सीधा करके कुछ इस प्रकार से दिखेगी ये जो बॉडी पार्ट है। तो इसको हम इस तरह के साथ जॉइंट करेंगे, लेकिन अभी जो नीचे का घेर है वो बॉडी वाले पार्ट से ज़्यादा है। तो इसकी फिटिंग के लिए हम यहाँ पे सभी जो कलियों के जॉइंट हैं इनके ऊपर एक एक पैर की सिलाई कर लेंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए, मैंने सारी कलियों पे एक एक पैर की सिलाई लगा ली है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
ताकि आपको लगा सिलाई दिखे। ये देखिए मैंने पूरे सिर्फ साइड साइड की जो लास्ट वाली कलियां हैं वो छोड़ के बीच बीच वाली में सारे में मैंने सिलाइयां लगा ली हैं। अभी हम इसको इस तरह से फोर्थ फोल्ड करके रखेंगे और नापेंगे। तो इसको नापने पे ये 9 इंच आ रहा है हमारा, और जो ऊपर का उसको भी नाप लेंगे वो आएगा 8.5, क्योंकि हमने 8.5 इंच पे उस टाइम मार्क किया था। तो मैं आपको नाप के बताती हूँ कितना आ रहा है हमारा। ये देखिए ये हमारा 8.5 आ रहा है, मतलब 1/2 इंच अभी भी हमारा नीचे का घेर ज़्यादा है। तो अभी हमने जो ये साइड वाली लास्ट वाली कलियाँ थी हमारी, इस पर हमने सिलाई नहीं करी थी, तो अभी हम एक पैर की एक साइड कर लेंगे और एक पैर की दूसरी साइड कर लेंगे, तो हमारा हाफ इंच कवर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कर ली है सिलाई। तो इस तरह से सीधा करेंगे हम बॉडी पार्ट और इस घेर के अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। और जो फिटिंग वाली सिलाई है हमारी और घेर वाली जो हमारी लास्ट वाली कलियों की सिलाई है, उसको इस तरह से सीधा मिला के इस तरह से रखेंगे और पूरे में राउंड सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है, स्टिच कर लिया है ऊपर का और नीचे का पार्ट। तो इस तरह से मेरी ये देखिए ड्रेस बन के कम्प्लीट है। ये देखिए हमने पूरी कलियों पे सिलाइयाँ लगा के अच्छे से इसकी फिटिंग कर ली है। तो इस तरह से हम अपनी ड्रेस घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ठीक करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। तो ये देखिए इसकी लेंथ भी कम हो गई है और फिटिंग भी कर ली है मैंने इसकी। तो देखिए डालने के बाद ये बहुत सुंदर दिख रही है। देखिए पहले कैसी दिख रही थी और अब कैसी दिख रही है। तो ऐसे ही रेडीमेड ड्रेस हम घर पे भी खुद फिटिंग कर सकते हैं। हम ऐसे वाली ड्रेस में कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम उसको कैसे फिटिंग करें, लेकिन इस तरह से हम इजीली घर पे ही फिटिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। थैंक